बना के आ गई है, किसी चीज का टेंशन तो नहीं है।
रिकॉर्ड हो रही है, बहुत तेजी से टाइम गुजर जाएगा और बहुत अहम बात आपके सामने बताना है। सब मेरे साथ रहें, इधर उधर ना रहें, ठीक है। तो ये मुकदमा आपके सामने हो गया। आगे के हकीम ने ये दुनिया बनाई है, जब हकीम होगा तो हजब होगा, एम होगा। जब हजब है उस हजब की जिम्मेदारी खुद खालिक ने ली है, खुद खुदा ने ली है। उस हजब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसने ली है? खुद खुदा ने ली है। कैसे ली है? यही नबूवत का सिलसिला, यही रिसालत का सिलसिला, यही इमामत का सिलसिला। क्लियर? सबके लिए वाजे हो? इसका नतीजा क्या होगा? यानी अब हमें वो हदफ हासिल करने के लिए, वो कामयाबी हासिल करने के लिए किसके पास जाना होगा? किसके पास? सब बोले किसके पास? इमाम के पास। क्यों? इसलिए कि वो परवरदिगार खुदा की तरफ से मुंतखब है ताकि इंसानों को उस हदफ तक के पहुंचाए, ठीक है। वो हर इंसानों की जिंदगी कामयाबी किसके हाथ से है? मैंने कल भी आपके सामने पेश की थी, परसों भी पेश की थी। इंसानों की कामयाबी दोनों के हाथ से है, रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से। क्यों? इसलिए कि इंसान जिस्म और रूह का क्या है? मजमुआ है, बॉडी और सोल का मजमुआ है, यानी जिस्म और रूह से बना है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ हम रूहानी गुफ्तगू करें, रूहानी नजा दें, रूह को ताकतवर बनाए और जिस्म को भूल जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। यानी अगर इंसान को कामयाब बनना है, जिस्म और रूह साथ में मिलकर ये कामयाबी हासिल करेगी। इसलिए भी इसीलिए दीन और इमाम आदि हैं, हिदायत देंगे, कामयाबी देंगे। हम जिस्म के लिहाज से, हम रूह के लिहाज से, सही है। आज हम आपके सामने पानी के बारे में गुफ्तगु करेंगे। ये पानी किस लिहाज से और कैसे और कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए? जो लोग कलम और कागज लेकर आए हैं वो आज याद करके जाएंगे, जो लोग लेकर नहीं आए हैं वो घाटे में रहेंगे, क्योंकि मजलिस नहीं हो रही है, निराश हो रहा है। हमारे बुजुर्गों को उसके लिए खिताब नहीं है, लेकिन जवानों के पास कलम और कागज होना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। आज पानी के सिलसिले से गुफ्तगू करना है ताकि आप लोग जिस्मानी लिहाज से कामयाब बने और बीमारियों से दूर रहे। सबसे पहला जुमला मेरा, पहला जुमला, आजकल सब लीवर के बीमारियों में मुब्तला है कि नहीं है? ज्यादातर लोग है, जो है इसके लिए इमाम से दूर है, ठीक है। लीवर के प्रॉब्लम होने की वजह सबसे बड़ी जो होती है वो पानी है, पानी का सही इस्तेमाल न करना। पानी का सही इस्तेमाल न करना यानी मुस्सा भी है लीवर की प्रॉब्लम। किसी भी तरीके ये कितने ले रहे हैं? पानी और लीवर, जिगर, ठीक है। पानी अगर सही अनुसार इस्तेमाल नहीं करेगा तो लीवर के प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाएगा। ये गुफ्तगु क्या है? कुरान दर से जिंदगी है। कुरान ने हमसे कहा अतीउर रसूल वउलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और रसूल के जानशीनों की इताअत करो। अब इस दर से जिंदगी को हम रसूल की जानशीनों से सुनेंगे। क्या है ये दर से जिंदगी? सबसे पहले पानी के बारे में आपके सामने गुफ्तगु करना है। पानी का सही इस्तेमाल न करना यानी लीवर की प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाना। क्या इमाम ने
आपको इमाम से और दीन से ये भी बातें लेनी है, लेनी है। कभी हम लोगों ने सोचा था कि हम लेंगे, सोचा था हमने? ये नहीं सोचा था, वाकई नहीं सोचा था, ये सोचा था नहीं सोचा था। बस ये सब सवाब कहते हैं कि जब अगर इंसान ने दुनिया में एक सुन्नत हसना वो छोड़ कर जाए तो जब तक कि उस सुन्नत पर अमल होगा उसको सवाब मिलेगा। अब ये क्लासेस का आगाज मरहूम मौलाना सोहेल साहब ने किया, अब जब तक ये क्लास चलते रहेंगे इसका सवाब उन मौलाना को मिलेगा। जितना लोग अमल करेंगे उसका सवाब मौलाना को मिलेगा। तो कोशिश किया करिए कि हर सुन्नत हसना में हम लोग पेश पेश रहें, आगे आगे रहें। आप सब मेरे साथ रहे। सबसे पहले पहला काम पानी का। रिवायतों में आया है कि रात को पानी बड़े लोग के पीना चाहिए कि बैठ रहे क्यों हमें नहीं पता। हम मौला से पूछेंगे, मौला आप बताइए कि रात को बैठ कर पानी हम क्यों पिए। मौला परख के जवाब देंगे, इसलिए कि अगर कोई रात को खड़े होकर पानी पिएगा तो उसका लीवर खराब हो जाएगा। तो दिन में पानी खड़े होकर पिए के बैठ कर पिए, या तीसरा ऑप्शन एज यू विश, जैसा चाहो वो वैसा पियो। तीन ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने। सुबह दिन में खड़े होकर पानी पीना चाहिए, बैठ कर पानी पीना चाहिए, या एज यू विश है जैसा दिल जाए वैसा। बैठ कर जो लोग कह रहे हैं बैठ कर वो हाथ उठाए, जो लोग कह रहे हैं खड़े होकर वो हाथ उठाए, जो लोग कह रहे हैं ऐसे उपदेश। अभी आप लोग अभी तक आप लोगों को यानी उस बात तक नहीं नहीं पहुंचे, आप लोग तो फौरन परख के ये कहना है हमें क्या पता तो हमें क्या करना है। ये तो इमाम बताएंगे और इमाम से पूछेंगे। बस यहाँ तक हमें लाना है आपको और मकसद ये दर्स पूरा हो जाएगा। हमें जो पूछना है हम किससे पूछेंगे, हमें क्या पता, हमारी अपने नाकिस हैं, हम महदूद हैं। हम अगर अभी मर जाएंगे, अगर बर्फ का इंतजाम नहीं किया तो बदबू आने लगेगी, लोग हमारे सगे हमारे चाहने वाले भाग जाएंगे। हम जो कुछ करेंगे जो कुछ पूछेंगे इससे पूछेंगे, और अब इमाम से हम पूछते हैं, इमाम आप बताइए कि दिन में खड़े होकर पानी पीने चाहिए कि बैठ कर। इमाम फरमाएंगे कि दिन में खड़े होकर पानी पियोगे तो वो पानी तुम्हारे को फायदा पहुंचाएगी, तुम्हारे बदन को कवी बनाएगी। सही, तो दिन में खड़े होकर के बैठ कर खड़े होकर सही है। ये सब किसको नहीं पता, नहीं बात सबको पता था। तो आज के बाद दिन में खड़े होकर पानी पीएंगे और रात में बैठ कर अहसन को सलावत भेजिए। पानी को तीन सांसों में पीना चाहिए है। कै सांसों में? तीन सांसों में, यानी तीन सांसों का मतलब ये नहीं है किसी ने किसान के तौर पर एक जग ले लिया, कहा कि मौलाना साहब ने कहा है कि मौला ने फरमाया है कि तीन सांसों में पिए, अब इसको तीन सांस में सांसों में डिवाइड कर दे। अच्छा ये एक सांस, ये एक सांस, ये एक सांस, ये नहीं ठीक है। क्या मतलब तीन सांसों में पिए, हम लोग कैसे पानी पीते हैं? गटर 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 है। तो तीन सांसों का मतलब यानी धीरे धीरे पानी पीना चाहिए है। और आप बताइए चौथी बात, ये तीन बात जो लोग लिखने लिख लिया, कोई नहीं लिख रहा है यहाँ, वो लोग लिख रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं या है, बाकी कोई नहीं लिख रहा। हम दो तरीके का अभी ये पानी पिएंगे, दोनों तरीके बताइएगा कौन सा सही है ठीक है। सब इधर रहे हैं, दो तरीके सब देख रहे हैं हमें। हम अभी दो तरीके से पानी पिएंगे,
कौन सा तरीका सही है या कौन सा फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो एक ही है, क्या फर्क है? ये कह रहे दोनों सही है, ये भी एक ऑप्शन है, दोनों सही है। नहीं तो हम घूट घूट के पिए, दोनों 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 सही है। और बताइए दोनों में क्या फर्क है? दोनों सही है, कौन सा सही है, फर्क क्या है? माइक है, कहाँ तक आएगा माइक? नहीं आएगा, फर्क क्या है दोनों में? अरे तो बात नहीं बनी, आप फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, आप ये सब देख रहे हैं ना, देखिए फिर से देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा देखिए, अक्सर तुम तबारक अल्लाह, इनकी सलामती के लिए सलवात देखिए, कुर्बान जाए हम, हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप, हमारी नस्ल, आपकी नस्ल, इमाम के एक पल झुकाने पर, एक पल झुकाने, इससे ज्यादा हम लायक नहीं है इमाम के, अगर कोई इससे ज्यादा, उनके आदमी और उनके नौकर के कदमों के नीचे की जो मिट्टी है वो हमसे ज्यादा बदतर और अफसर है। ठीक है इमाम, हम और आपका कितना ख्याल कर रहा है कि हत्या इतनी छोटी सी बात भी बता रहा है, इतनी छोटी। आप सुनिए इमाम ने क्या कहा, कहा देखो जब पानी पीना है तो तीन सांसों में पियो, रुक रुक के पियो, लेकिन जब रुकते हो तो अपने गिलास को अपने बहन और दूध से दूर कर दो, किनारे कर दो। क्यों? इसलिए जब इंसान सांस बाहर निकलता तो क्या आता है बाहर, टैग से कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो सही है या गलत, नुकसानदेह है? यानी इमाम ने इतनी छोटी सी बात बताई कि जब सांस ले रहे हो तो सांस ले रहे हो, रुक रुक के पानी ले रहे हो, लेकिन बीच में भी जो रुक रहे हो अपने गिलास को अपने मुंह से दूर रखो। आप बताइए बात यह, क्या हम लोग इमाम के जितना इमाम ने हमें नहीं कहते इमाम, इमाम नूर थे, लेकिन इमाम ने इतना हम हमारा ख्याल रखा, इतना हमसे मोहब्बत की, और हम और आप, हम और आप अपने खुद गरीबात में छाप कर देख सकते, देख सकते कि हम कितना इमाम से प्यार करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। तो ये सब तो समझ में आ गया, यहाँ ये सोचिए कप है, ठीक है ये कप है, अगर कप का कोई हिस्सा टूटा हो उस हिस्से से पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? इमाम ने मना किया कि उस हिस्से से पानी मत पियो, जिधर से हैंडल है उस इस तरफ से पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। क्या बात हो गई, क्या बात, ये लिख लिया सब ने, नहीं लिखा, ये मेरा बच्चा बहुत तरीक वगैरह नहीं लिखा, एक सलवार हो गया चाहिए।
पेट में मुबतला हो जाएगा, जिसका लीवर खराब हो जाएगा। अब हम आपके सामने रिवाइजे नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी सब बता रहे हैं, ठीक है। गरम गरम बिल्कुल पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए गरम पानी पीना चाहिए सबको, गरम पानी पीना चाहिए, ये कह रहे पीना चाहिए। जो लोग कहते हैं गरम पानी पीना चाहिए, बोलो सलाह भेजे। जो लोग कहते हैं गरम पानी नहीं पीना चाहिए, वो सलाह भेजे। अच्छा, जो हमारे शागिर्द यहाँ जो इससे पहले बात सुन चुके हैं, वो लोग जो लोग उन लोगों से जो लोग कहते हैं गरम पानी पीना चाहिए, वो सलाह भेजे। पानी याद रखिएगा, गरम पानी रिवायतों में मना है, गरम पानी नहीं पीना चाहिए, गरम पानी नहीं पीना चाहिए है। बल्कि कौन सा पानी पीना चाहिए जो रिवायतों में आया है, आप सुनिए रिवायत। रिवायत का है दो ऐसी चीजें हैं जिसमें फायदा ही फायदा है, एक है अनार, दूसरा है गुनगुना पानी। कौन सा पानी? तो जो पानी फायदेमंद है वो कौन सा है? गुनगुना पानी। पानी की चार किस्में हैं, गरम, नॉर्मल के लिए ठंडा और कूल पानी, यह पानी या इंग्लिश में अगर हो जाए हॉट और कूल और क्या चिल, ठीक है। कौन सा पानी पीना चाहिए? गुनगुना पानी पीना चाहिए, बार पानी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और अगर पानी को देखें व्यर्थ पानी चिल पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये आपके ऊपर जो लोग यूनिस करते हैं उन लोगों को पता है, मखसूस नहा गुजार और इफ्तार करते हैं, ठंडा ठंडा पानी व्यर्थ पानी पी लेते हैं, ये पानी बदन के जिस भी पुर्जे तक पहुँचेगा वो पुर्जा खराब हो जाएगा। अगर दिल तक वो पानी पहुंचेगा ठंडा पानी फुल चीज चिल पानी, हार्ट अटैक आने का खतरा होगा। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ कि कौन सा पानी फायदेमंद है? गुनगुना पानी, गुनगुना गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी। इफ्तार के टाइम हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? ठंडा पानी। और क्या खाते हैं? रोटी खाते और फुल्कियाँ और आलू पूरी और पापड़। तो अगर आप रिवायतों में जाकर देखेगा तो आप लोगों ने नहीं किया है इस साल, लेकिन अगले साल जरूर करिएगा। रोजा रखना एक इलाज है, रोजा एक इलाज है। आप लोग क्यों कह रहे हैं? आप यादी आजी की दुआ किसको याद है बच्चों में से? किसको याद है? यादी बड़ी याद पड़े पढ़ोगे बोला था बस यादी और यादी में और भी मैं रही हूँ तारा बोला थी मैं चली गई सा कम से शहर का हुआ सभी तस्वीर वहाँ से शहर नजम का हुआ गर्म का हुआ शहर का हुआ पता कॉपी होती है वहाँ से शहर रमजान की चार से पते हैं अजम का हुआ गर्म का हुआ शहर का हुआ फसल का हूँ। अब आगे बढ़िए चार सौ अक्सर आप ये जो चार फजीलत इस महीने को मिली है जो मिली है बारह जुल्हा सियाम को अलग इसलिए है क्योंकि इस महीने में रोजा वाजिब हो गया है, इस महीने में रोजा वाजिब हो गया है। रोजा वाजिब होना क्या की वजह से इस महीने को चार खसूसियतें मिली, शरफ का हूँ अजम करूँ करम करूँ फजल करूँ, ये रोजा कोई खास चीज होगी ना, इसीलिए कहा जाता है रोजा एक इलाज है, दवा है। क्या मतलब? आपने देखा होगा जब भी कोई जानवर बीमार होता है तो क्या करता है, वो कुछ नहीं खाता है, ऐसा ही है ना, एक जगह ये पड़ा रहता है, यानी वो न खाकर और न पीकर क्या करता है अपना इलाज करता है। परवरदिगार को पता था कि इंसान 11 महीने अपने बदन को खराब कर देगा, यह रहमत इलाही मोमिनीन के लिए
वाजिब करार दे दिया ताकि एक महीना रोजा रख के हम अपने बदन को क्या कर दें, क्या कर दें, सालिम कर दें। लेकिन अब इसी खुदा से पूछना होगा कि इस रोजे के शुरू में और एंड में हमें क्या करना है। हमने कभी ये पूछा दीन से और ईमान से कि हम इफ्तार का क्या करें, या हमने अपने महल्ले वाले की हलवाई से पूछा आज क्या गरम गरम चटपटा बनाया है, ईमान से पूछा, दीन से पूछा, नहीं पूछा, हम अपनी सीरत चला रहे हैं। इसीलिए अब ईमान से जब पूछेंगे तो ईमान ने कहा देखो इफ्तार के तहत टाइम तीन चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए जिससे तुम इफ्तार करो, एक नमक, दूसरा गुनगुना पानी, तीसरा रुतब। अगर कोई गुनगुना पानी पिएगा रिवायत में, अब इसकी फजाइल सुनिए, रसूल खुदा फरमाते हैं गुनगुना पानी के असरात बदल के क्या होते, जिनके बाल गिर रहे हैं उनके बाल गिरना कम हो जाएंगे, जिनके आंखों आंखें कमजोर है उनकी आंखों की रोशनाई में इजाफा हो जाएगा, दांत के दर्द जो दांत के दर्द में मुबतला है दांत के दर्द सही हो जाएगा, बलगम बदन से दूर हो जाएगा, जिनके हाफिजे कमजोर है उनके हाफिजे फिर से तभी हो जाएंगे, मेदे को जो मेदे के प्रॉब्लम में मुबतला है हजम डाइजेशन के प्रॉब्लम में मुबतला है वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी, लीवर रिन्यू हो जाएगा, लीवर ताजा हो जाएगा। मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है लीवर का तो हमसे यही कहते हैं आपको दवा खानी है कि घर में आपको इलाज कर लेंगे, कहा अगर बगैर दवा के इलाज हो जाए तो बेहतर है, तो उससे कहते हैं 40 दिन दिन भर गुनगुना पानी पियो तुम्हारे लीवर का प्रॉब्लम सही हो जाएगी, क्यों, इसलिए कि रसूल खुदा ने कहा है, क्या कहा है, एक गुनगुना पानी लीवर को रिन्यू कर देगा, ताजा कर देगा, सही कर देगा। अब हमने कभी ये किया रमजान में, ये किया जिन लोगों ने किया वो सलवार भेजे अक्सर लोगों ने नहीं किया क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि कभी जहन में ये बात आ गई, आज के बाद आप सब के जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि हमें जो कुछ करना है हम किससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे, ईमान से, ईमान से। जब हम पूछेंगे तो ये हमारा समाज कामयाब समाज बनेगा, जब हम पूछेंगे तो दूसरे गांव वाले भी ये कहेंगे तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सीरत तुम्हारी क्यों है, इस टाइप से तुम उठ रहे हो, इस टाइप से तुम खा रहे हो, इस टाइप से तुम पी रहे हो, तो हम बता सकते हैं हमने ये सब नवासे रसूल से सीखा है, हमने ये सब औलाद रसूल से सीखा है। अच्छा ये औलाद रसूल कौन है, ये अली है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, इमाम सज्जाद है, इमाम बाकिर है, इमाम सादिक है। अच्छा ये लोग हैं इनके बारे में क्या हमें पता लग सकते, हाँ हाँ हम खुद बताते हैं तो क्या होगा, लोग हमारे दीन की तरह मुतवज्जे होंगे, क्या आज हमारे सीरत देखते हैं हमारे दीन की तरह आता है, क्यों, इसलिए जब वो हमारी शादियों को देखेगा वो देखेगा ये तो हमारी तरह कर रहे हैं, चाहिए तो अब आप बताइए हम लोग ईमान तक पहुंचने में लोगों के लिए रुकावट बने हैं कि हिदायत के सबब बन रहे हैं, रुकावट बने हैं कि हिदायत के सबब बन रहे हैं, रुकावट पर नहीं बच रहा बहुत बात है, कह रहे रुकावट पर नहीं कुछ पता है इसको, हमने वो सीरत नहीं अपनाई, हमने जाफत मेरा ईमान हम किस 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 जिस पर आप हाथ रखे उस उस चीज पर हमने रिवायतों पर अमल नहीं किया, सबसे खराब महल्ले जो होते हैं महल्लों की जो कंडीशन होती है हमारे महल्ले होते हैं, बावजूद ही कहा जा रहा है जाफत मेरा ईमान नजाफत और पाकिजगी क्या है ईमान में से है, लेकिन क्या हम लोग ये करते हैं, सुबह उठ के हमारे बच्चे क्या हम खुद बाहर निकल के अब वो बेचारा जो जा रहा है
जो दूसरा दूसरे फॉर्म आ रहा है कि ये फॉर्म मुसलमानों के भी गलियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही पूजा पढ़ा रहा है, उसी अंदाज से पढ़ा रहा है, तो हम कब किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जज्ब कर सकते हैं अपने दिल पर? और पहला सब आदमी बहुत सारे लोग हैं, यानी आप हमें जो कुछ करना है वो हमें किससे पूछना होगा? ईमान से पूछना होगा। तो हमें जो पानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है वो क्या है? गुनगुना पानी है। और रिवायतों में गर्म पानी से मना किया गया है, गर्म पानी के लिए। अब गर्म पानी का मतलब ये है कि गर्म गर्म चाय, गर्म गर्म चाय इंसान को नहीं पीना चाहिए, नुकसान देह है, खून के भी नहीं पीना चाहिए है। जब उसकी गर्माहट खत्म हो जाए तब इंसान को यूज करना चाहिए। खाने के बीच में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए है। बातें चली थी जहां जहां पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? तो खाने के बीच में पानी नहीं, चिकनाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये कह रहे पीना चाहिए। ये अगर आज ना होते तो हमारा दर्द पूरा मुकम्मल ना होता। एक तो आगे डिफरेंस करे, कारण नहीं पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं गुनगुना भी नहीं। बता रहे रिवायत में आया है कि चिपने के बाद पानी, चिपने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पीछे वाले चिपने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। रिवायत में आया है कि अगर कोई चिपने के बाद पानी पीता है वो पानी उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है और वो शिकम के बीमारियों में मुबतला हो जाता है। इसीलिए अक्सर हम लोग क्या बीमारियों में
पानी पी ले ठंडा, जो पानी पी ले या पेप्सी पी ले, कोका कोला पी ले, तो रिवायत में आया है कि अगर कोई दोस्त या अपने बाद पानी पिएगा तो यहाँ ये रुकगा, यानी क्या, यानी वो बीमारियाँ जो बदन में है वो उभरने लगेगी, जिंदा हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बदन में मुख्तलिफ वायरस मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर हम दोस्त के बाद जब पानी पीते वो बीमारियाँ वो वायरस क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, हम बीमारियों में मुबतला हो जाएंगे। यानी क्या, यानी दोस्त के बाद भी पानी
की बात बात लोगों की आदत थी कि वो रात में पानी पीते हैं, रात के बाद सोने के लिए ये आदत गलत है कि आदमी कब याद करके पानी पी लेता है, इसलिए ये आदत गलत है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है रात और उसको प्यास लगी है तो इससे उस हद तक के प्यास पानी पिए थे जिस हद तक उसकी क्या है प्यास बुझे, और पानी पीने से पहले अपनी मुँह की कुल्ली जरूर कर ले पानी ले। और बताइए सवाल सवाल नहीं किसी को, कहते थे कि सवाल का होना दो बार अलामत है, या सबको समझ में नहीं आया है बिल्कुल, या सबको समझ में आ गया बिल्कुल, तो यहाँ कौन आ रहा है, आ गया है कि नहीं आया है, से पूछेंगे। चलिए सवाल देंगे, नहीं आप सुनिए ये भी बात सुनिए, रिवायत में क्या है कि इसका जो बातें हो रही है ये उन लोगों के लिए बातें हो रही है जिनकी जिनका बदन सही और सालिम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी बात ऐसी बीमारियां होती है जहाँ मतलब